जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में लीड बैंक के प्रबंधक महेश गुप्ता सहित विभिन्न बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने सभी बैंकर्स को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें, अनावश्यक पत्रावलियों को लंबित न रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी बैठक में अवश्य भाग लें, अन्यथा अनुपस्थित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र संदर्भित किया जाएगा। बैठक में डीएम ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी पात्र कृषकों को केसीसी से संतृप्त किया जाना है, जिसके लिए बैंकर्स आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए सभी पात्र कृषकों को संतृप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि केसीसी की सुविधा पशुपालक एवं मत्स्य पालक कृषकों को भी प्रदान की जानी है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी को की जा चुकी है। सभी बैंकर्स इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत कराएं। आज की बैठक में अध्यक्षता करते हैं माननीय सरकार के सर। आज की बैठक केसीसी और देवासी दोनों है एक साथ है, क्योंकि आपकी अनुमत से राज्य वासी लड़े एवं काम के चीफ में पहले एजेंडा है योजना 2018-19 कार्यसूची नंबर 2 वासी योजना जगह बिजली रुपया 4,118.23 करोड़ क्षेत्रवार वितरण पिछले 17 दिसंबर 2018 है। 25 दिसंबर 2019 है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में भी विशेष ध्यान देकर खंडवार लक्ष्यों का 100% प्राप्त करने का प्रयास करें। 2018-19 की उपलब्धि और मार्च 2019 की उपलब्धि के रूप में है। 19-20 का भी हमारे हमने पिछले जो है नियम नीति 26-2 को जो हुई थी उसमें अनुमोदन हो गया था और 19-20 में 6% की ग्रोथ कंपेटिव टू 2018-19 की गई है। 26-2 फरवरी की गैर राशि नीति के एजेंडा में काफ़ी लगी और इसमें उन्हें काफ़ी लगाई एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में रीजन जो है उसका अभी टर्म लोन में अपनी फाइनेंसिंग नहीं हो पाती है इस समय। हालांकि टर्म लोन में भी मोर जाएंगे लेकिन टारगेट भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन टर्म लोन में और बढ़ाने की अभी हम लोग और अभी कार्यशाला भी डीडीएम नाबार्ड द्वारा की गई पर जिसमें फोकस यही था कि टर्म लोन के अंतर्गत हम लोग फाइनेंसिंग करें, अधिक से अधिक शेयर बढ़ाएं। और चेयरमैन साहब चेयरमैन चौरांचल बैंक उन्होंने एड्रेस भी किए थे और उन्होंने टारगेट भी किया है इस साल अपने वार्षिक ऋण योजना ऋण पॉलिसी में लोन पॉलिसी में उन्होंने टारगेट किया है कि हमारा शेयर अभी 18-19 में केसीसी का 61% है, 39% केवल है जो टर्म लोन के अंतर्गत। तो 19-20 की लोन पॉलिसी में उन्होंने इसको नॉट मोर देन 40% केसीसी और 60% से अपर टर्म लोन में करने का ट्रेड पॉलिसी बनाया है उन्होंने, वो अभी डीजीएम साहब बताएंगे मना भी कर सकते कर दे हुआ है। बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर आपका 15% नहीं किए, 67% ड्राफ लोन है आपका, 72% जो आपका एग्रीकल्चर टोटल है और अदर प्रायोरिटी सेक्टर पे 88%, बट नॉन प्रायोरिटी सेक्टर देखिए 369.3% आपने ज़्यादा किए। पर्पस ही नहीं तो फिर इसका तो आप आदमी की बात नहीं मानते हैं, किसी की बात नहीं मानते तो बहुत से पर्पस हमने ओवरऑल तो अचीव किया अच्छा है तो पिछले साल से, और प्रायोरिटी सेक्टर तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया और जो बातें तो केसीसी नहीं मिल रहा, केसीसी नहीं मिल रहा पिक एंड चूज करके क्या ड्राफ लोन देंगे तो फिर उससे क्या फ़ायदा है। सर के सी सी का है अपना एजेंट आएगा